दीदी, ये चांद कितना दूर है? क्या पता, वो तो स्कूलों में पढ़ाते हैं ना, और हम तो कभी स्कूल गए ही नहीं। क्यों? स्कूल बहुत दूर है ना, इसलिए। चांद से भी दूर? शायद। चांद से भी दूर है वो जगह जहां मुझको जाना है, पूछना है सबसे पता या खुद ही पहुंच जाना है। जाता कौन है? सब दुनिया भर के बच्चे जाते हैं। फिर बच्चा तो मैं भी हूँ, तो फिर मैं स्कूल क्यों नहीं जाती? स्कूल बहुत दूर है ना, इसलिए। जब पास आएगा तब तुम भी जाओगी। थोड़ी उंगली पकड़नी है, थोड़ा भाग के जाना है, थोड़ा क्या कर रही है? कोई आने वाला है क्या? ये रंगोली किसके लिए बना रही है? अरे दीदी, भूल गई, स्कूल आने वाला है ना, इसके लिए तो बना रही हूँ। अभी कौन सा तेरा स्कूल आने वाला है? जब आएगा तब बना लेना। अभी चल अंदर, चल चल। लुढ़कना है, डगमगाना है, गांठ बांध ले ना, तो स्कूल यहाँ तक आ पाएगा और ना मैं रोज रोज तुझे उतनी दूर स्कूल तक छोड़ने जा पाऊंगा। ठीक है? झूठी हो तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे लाली, लाली सुन तो, लाली। चांद से भी दूर है वो जगह जहाँ मुझको जाना है। लाली उठ, उठ तो सही। अरे उठ, देख तो सही बाहर कौन आया है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। अरे उठ, तेरा स्कूल तुझे लेने आया है, चल। स्कूल? क्या तुम सच कह रही हो दीदी? चल जल्दी जल्दी, देख आ गया तेरा स्कूल। ये विद्यावाहिनी है, ये तुझे स्कूल लेके जाएगी। सच में? थोड़ी जिद है, चांद पे बिठाना है। अब टीचर से पूछ के बताना मुझे, हाँ, कि चांद कितना दूर है। ठीक है। अब विद्यावाहिनी आ गई है तो तू खुद ही पूछ लेना टीचर से कि चांद कितना दूर है। ये लो, अब मेरी दोनों बेटियां स्कूल जाएंगी। सच में बाबा, ये मेरे लिए है, क्या मैं भी स्कूल जा सकती हूँ? बिल्कुल बच्चे,
अब मेरी दोनों बेटियां स्कूल जाएंगी। चांद से भी दूर है वो जगह जहां मुझको जाना है, पूछना है सबसे पता या खुद ही पहुंच जाना है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ लाली और उसकी बहन की नहीं है, बल्कि तमाम ऐसे बच्चे और बच्चियों की है जो उचित संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों में बेहतर शैक्षणिक संसाधनों के जरिए तमाम ऐसे प्रयास किए हैं जिनकी मदद से बच्चे अपने बेहतर भविष्य की ओर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके और उनका आने वाला कल सुनहरा बन सके। और क्या पता हमारे इस छोटे से प्रयास से कल को यही बेटियां आगे बढ़कर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट या फिर सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला से प्रेरणा लेकर चांद पर जाकर एक नया अध्याय लिख देंगी।